हाय फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूं दोस्तों, ये 4 BHK की प्रॉपर्टी है। प्रोजेक्ट का नाम है रुनवाल एलिगांते। ये अंधेरी में इन्फिनिटी मॉल के जस्ट बैक साइड में बना हुआ है। काफ़ी बड़ा लग्जरियस प्रोजेक्ट है ये, और सारे बड़े बड़े फ्लैट हैं इसमें। काफ़ी लोग इसमें सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पर रहते हैं। और आइए, में जब आप प्रॉपर्टी देखेंगे तो आप खुद ही इसका क्वालिटी समझ पाएंगे। आज इसी रुनवाल एलिगांते के रीसेल फ्लैट की मैं बात करने वाला हूँ, जो 4 BHK का है। मैं विकास वरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, एक बार स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। इसमें 4 BHK की प्रॉपर्टी है। पहले आइए मैं कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूं, किस टाइप का यहां पे बना हुआ है, कैसा इसका एलिवेशन है, बिल्डिंग का एलिवेशन क्या है, और लोकेशन कहां पे है, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, जिमनाशियम वगैरह किस टाइप का इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है वो पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बाद में प्राइजिंग की बात करूँगा कि क्या प्राइजिंग है यहाँ पर, क्या प्राइज है फ्लैट्स का, और क्या इसकी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, किस टाइप के लोग हैं, वो सारा कुछ मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा ड्यूरिंग वीडियो ही। फिर बाद में मैं अपनी सर्विसेज की बात करूंगा, फिर मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। आइए प्रॉपर्टी देखते हैं, किस टाइप का प्रॉपर्टी रुनवाल एलिगांते ने बनाया है यहाँ पे। काफ़ी एक लग्जरियस, एक बड़ा बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। आइए देखते हैं, जानते हैं यहाँ की प्रॉपर्टी किस तरह का है दोस्तों। ये इसका एंट्रेंस लॉबी है, और ये बाहर से इसका एलिवेशन है बिल्डिंग का। मैं आपको पहले एंट्रेंस लॉबी दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है रुनवाल बिल्डर ने। इवन जहाँ जहाँ भी इनके प्रोजेक्ट होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इनका आर्किटेक्चर प्लान होता है, और डिजाइनिंग भी इनका बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं ये। ये आप देख सकते हैं, ये झूमर है जो एंट्रेंस लॉबी में लगाया है इन्होंने। अंदर की ओर एंटर करेंगे, के बाद में आपको डायरेक्टली फ्लैट दिखाऊंगा किस टाइप का है। ये इसका लिफ्ट है, सारे इटालियन मार्बल और विटिफाइड टाइल्स में काम किया है इन्होंने। ये इसका स्टेयरकेस है, ये बेसमेंट पार्किंग में जाने के लिए। घर बैठे आप ये सब चीज़ें देख लें, समझ लें, फिर प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आएं। अब हम इसका प्रॉपर्टी देखते हैं, ये 4 BHK का फ्लैट है। ये एंटर करते ही इसका दो साइड से एंट्री है, एक तो सामने डायरेक्टली जाने के लिए है, और एक आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये सर्वेंट के लिए एंट्री है जो किचन तक है। अगर सर्वेंट को आप मेन लिविंग डाइनिंग में नहीं आने देना चाहते हैं, तो उनका यहाँ पे एक रहने के लिए भी सुविधा है, सेपरेट उनके लिए टॉयलेट वॉशरूम है सर्वेंट के लिए, और ये किचन तक जाएँ, काम करें, और अपने जो सर्वेंट रूम है यहाँ तक ही रहें। ये इसका किचन एरिया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर काफ़ी बढ़िया स्पेसियस है, और किचन के बाहर एक 4 से 5 फुट की बालकनी है। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू है पूरे अंधेरी लोकेशन का, अंधेरी वेस्ट का। ये मैं आपको सर्वेंट रूम से के एंट्री से कैसे अंदर आना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से लिविंग डाइनिंग एरिया में जाने के लिए डायरेक्टली अंदर से ही रास्ता है। ये लिविंग डाइनिंग एरिया है इसका, ये मैं आपको लिविंग साइड के विंडो की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप देखें तो वहाँ पे भी 4 से 5 फुट की बालकनी दिया है लिविंग डाइनिंग में, और सामने ये पूरा इसका ओपन व्यू है, सामने आपको सी व्यू भी मिल जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका लिविंग डाइनिंग का पूरा स्पेस है। आगे से जो लेफ्ट की ओर आप देख रहे हैं, ये पूरा इनका डाइनिंग स्पेस है, और राइट साइड से जो आने का था वो मेन डोर से एंटर करते ही ये इसका डाइनिंग का स्पेस है पूरा। इसके आगे पूरा ये 4 BHK यानी 4 बेडरूम है। ये इसका एक कॉमन वॉशरूम है, बाकी चारों मास्टर बेडरूम है, चारों में विद टॉयलेट वॉशरूम के साथ बिल्डर ने ये बेडरूम्स बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने कॉमन वॉशरूम देखा, उसके बाद हम फर्स्ट बेडरूम देखते हैं।
ये इसका पहला बेडरूम है जो मास्टर बेडरूम है, इसमें भी सेपरेट टॉयलेट वॉशरूम दिया हुआ है साथ में ही। अभी हम इसके बाद दूसरा बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका। अभी हमने ये वॉशरूम देखा, आप देख सकते हैं अंदर ही वॉश बेसिन दिया हुआ है इन्होंने। और बाथ एरिया टॉयलेट एरिया दोनों कॉमन किया हुआ है। अभी हम इसका सेकंड बेडरूम देखते हैं। आप देखें तो काफी बड़ा बड़ा बेडरूम इन्होंने दिया है। यहाँ से भी पूरा सिटी का आपको ओपन व्यू मिल जाता है। मैं आपको विंडो के साइड से पूरा बेडरूम शो कर रहा हूँ। इसमें भी सेपरेट टॉयलेट वॉशरूम दिया हुआ है इन्होंने। सेम स्ट्रक्चर, अंदर वॉश बेसिन, बाथ एरिया टॉयलेट एरिया सब कुछ अंदर ही दिया हुआ है। और एक अलग से जगह भी दिया हुआ है, वहाँ पे भी चाहे तो आप बाहर वॉश बेसिन लगा सकते हैं। अब हम आगे इसका थर्ड बेडरूम और फोर्थ बेडरूम देखेंगे। ये इसका थर्ड मास्टर बेडरूम है। इसमें रीसेल में जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी अच्छा प्राइस में दे रहे हैं। बिल्डर की प्रॉपर्टी तो खैर है ही, बिल्डर के प्रॉपर्टी में थोड़े आपको चॉइसेस मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेमेंट आपको प्रॉपर एक्स्ट्रा करना पड़ता है। बट रीसेल में जो प्रॉपर्टी होती है उसका प्राइस बिल्डर के प्राइस से हमेशा थोड़ा लोवेस्ट रहता है, बट उसमें चॉइस आपको लिमिटेड मिलते हैं, एक ही मिलता है। ये थर्ड मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। सारे वॉशरूम का स्ट्रक्चर सेम दिया हुआ है, इसमें कोई चेंजेस इन्होंने किया नहीं है। अभी हम चलते हैं इनका फोर्थ बेडरूम देखते हैं। ये इसका चौथा बेडरूम है। एंटर करते ही राइट हैंड साइड पे इसका टॉयलेट वॉशरूम दोनों कॉमन किया हुआ है वो है। इसके बाद हम बेडरूम देखेंगे, उसके बाद फिर हम सीधा सीधा फिर से लिविंग डाइनिंग का व्यू देखेंगे, उसके बाद फिर एमिनिटीज देखते हैं। ये इसका पूरा बेडरूम है। फिर से हम लिविंग डाइनिंग में आ गए हैं। अभी हम इसका मेन डोर से एग्जिट करेंगे। ये इसका किचन है, ये इसका सर्वेंट रूम है। हमने जो एंट्री किया था वो सर्वेंट रूम के एंट्री से एंट्री किया था, ये हम मेन डोर से एग्जिट कर रहे हैं। और
और ये इसका स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस पे आप देखें तो काफी ब्रॉड, काफी अच्छा दिया हुआ है। और ये पूरा पैसेज एरिया है दोस्तों, हर एक पे 7 लिफ्ट, मतलब 7 हाई स्पीड लिफ्ट दिया हुआ है। अब ये 33 स्टोरी टावर है, यानी 33 माले की बिल्डिंग है, तो लिफ्ट देना बहुत ही अनिवार्य है। 2 स्टेयरकेस, 7 लिफ्ट बिल्डर ने दिया है इसमें लोगों की सुविधाओं के लिए। ये इसका स्विमिंग पूल है, ड्यू टू कोविड, कोविड के लिए अवेयरनेस रखा गया है, यूज नहीं कर रहे हैं लोग, बट ये जैसे कोविड का मामला खत्म होते ही यहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह, क्लब हाउस वगैरह फुल्ली एक्सेस स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे किड्स प्ले, किड्स स्विमिंग पूल और एडल्ट स्विमिंग पूल दोनों सेपरेट सेपरेट दिया हुआ है। सामने किड्स प्ले एरिया है जो बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, सीरियल्स में काम करते हैं। आपको सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहने का भी मौका मिलेगा अगर आप इसमें प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो। सामने ये क्लब हाउस है, आप देख सकते हैं बाहर से एलिवेशन कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने। अंदर सारी क्लब हाउस के अंदर गेम जोन, स्क्वैश कोर्ट, जिम्नासियम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है अंदर। लाइब्रेरी भी फिलहाल अंदर से अलाउ नहीं किया है हमने वीडियो के लिए, इसके हम ले नहीं पाए, बट एक बार आप विजिट करें तो आपको हम पूरी तरह से बता पाएंगे। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि ये टेरेस पे इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन, सिटिंग एरिया और बच्चों को खेलने के लिए एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन हो, पढ़ाई करना हो, कुछ करना हो तो बनाया है इन्होंने। काफ़ी बिल्डर्स छत को छोड़ देते हैं, कुछ डेकोरेट नहीं करते हैं, बट आप देखें तो रूफ टॉप पर इन्होंने काफ़ी सारा कुछ बनाया है जहाँ पे यहाँ पे रहने वाले लोग उसका उपभोग कर सकते हैं अच्छी तरह से। इसका रैंप है, पूरे रूफटॉप को इन्होंने डेकोरेट किया है, ये आप देख सकते हैं जो पार्किंग फ्लोर है पूरा। ये एक अच्छे लेवल के लोग, एक आप देखें तो बहुत ही बढ़िया पॉश लोगों का यहाँ पे घर है, सेलिब्रिटीज हैं, बिजनेसमैन हैं। थोड़े प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करता हूं दोस्तों। प्रोजेक्ट का नाम रुनवाल एलिगांते है, प्रॉपर्टी 4BHK आप दे चुके हैं, रुनवाल डेवलपर बिल्डर का नाम है। ये इन्फिनिटी मॉल के पीछे है, लिंक रोड पे, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स इस पूरे एरिया का नाम है, अंधेरी वेस्ट में है ये। प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, 33 स्टोरी टावर है, 3 विंग्स हैं इसमें और 27 स्टोरी इसका रेसिडेंशियल के लिए यूज़ किया हुआ है और 6 स्टोरी फॉर पोडियम पार्किंग, 6 माला इसका पोडियम पार्किंग है और 6 फ्लैट है इसका हर एक फ्लोर पे, 5 एकड़ इसका पूरा फ्री होल्ड लैंड है, OC इसका रिसीव्ड हो चुका है, OC के साथ ही आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के साथ ही आपको हैंडओवर करने वाले हैं। 4BHK का प्रॉपर्टी है जो आपने देखा है, कारपेट एरिया इसका 1730 स्क्वायर फुट है, 1730 स्क्वायर फुट का फ्लैट है ये जो प्योर कारपेट एरिया है। कॉस्टिंग की बात करूं इसका 5,95,00,000 रुपया इसका प्राइस है, यानी कि 5.95 CR ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। इसके ऊपर आपको कुछ भी पे नहीं करना है, इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस, रजिस्ट्रेशन, स्टाम्प ड्यूटी, लीगल चार्जेस वगैरह सब कुछ आ जाता है। इसके ऊपर आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा और ये फ्लैट कार पार्किंग के साथ में है। एक्स्ट्रा कार पार्किंग अगर आपको नीड है तो देखेंगे सोसाइटी में अवेलेबल रहेगा या फिर अगर बिल्डर के पास अवेलेबल रहेगा तो उसका कॉस्ट 1,500,000 रुपया है, 1,500,000 रुपये का एक्स्ट्रा कार पार्किंग है। सभी बैंकों से अप्रूव्ड है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें ले सकते हैं, SBI, HDFC, एक्सिस, किसी भी बैंक से।
एमिनिटीज़ के तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि क्लब हाउस है, जिम है, स्क्वाश कोर्ट है, स्विमिंग पूल, बैंक्वेट हॉल, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया। 2 से 5 मिनट के अंदर कनेक्टिविटी की बात करूँ, 5 मिनट के अंदर सिटी मॉल, अंबानी हॉस्पिटल, वैली व्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, संघवी हॉस्पिटल, JVCN इंटरनेशनल स्कूल, रेयान ग्लोबल स्कूल, जगन्नाथ टेम्पल, शिव गणेश टेम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, IDBI बैंक, ये सब आप 5 मिनट के अंदर रीच कर जाते हैं। आधे घंटे के अंदर अंधेरी स्टेशन, वेस्टर्न हाईवे, लिंक रोड, मेट्रो स्टेशन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्फिनिटी मॉल, RIMS इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल, वर्सोवा बीच, जुहू बीच, अक्सा बीच, और 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो बड़े एंटरटेनमेंट जो मुंबई में माना जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हैं तो आपके लिए भी जान लें, कभी मुंबई आना हो तो इन जगहों पर मुंबई में ज़्यादातर घूमने के लिए बनाया जाता है, जो यहाँ से मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं। जैसे गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पैगोडा, SL वर्ल्ड, वाटर किंगडम, गिरगांव चौपाटी, मरीन ड्राइव, लेमिंगटन मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, नरीमन पॉइंट, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, कोलाबा मार्केट, बंडागुल्ला कॉम्प्लेक्स यानी BKC उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, तारापुर वाला एक्वेरियम, हाजी अली दरगाह, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर, शिवाजी पार्क, ये सब कुछ यहाँ पे यहाँ से मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस में टाइम में आप पहुँच जाते हैं। दोस्तों आइए और आगे डिटेल में जानते हैं। हमारी सर्विसेज की बात करें दोस्तों तो हम लोग न्यू लॉन्चिंग, न्यू बुकिंग, अंडर कंस्ट्रक्शन, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी और होम लोन में डील करते हैं। अगर आप कभी कभी तो हमारे पास बैंक ऑक्शन की जो प्रॉपर्टी आती है कभी 40% 50% डिस्काउंट पे होती है, और मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा कराया है बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी सेल उनको परचेस करवाने में। दूसरा, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो होती है, बिल्डर जब प्रॉपर्टी नया नया लॉन्च करते हैं तो उनका अच्छा खासा एक प्राइज होता है, जो बेस खड़ा करने के लिए उन्हें कुछ जो फ्लैट बेचना होता है, 200-500 फ्लैट बेचने, अगर एक प्रोजेक्ट में 1000 फ्लैट है तो उसमें एक 500 फ्लैट बेचने का टारगेट रहता है लॉन्चिंग पे, जो कि उनको एक पैसा अच्छा मिल जाए जिससे वो बेस पूरा तैयार कर सकें। दूसरा दोस्तों, अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियोस देख रहे हैं उसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों वीडियो देखते हैं हमारे, जिनको भी प्रॉपर्टी परचेस करना होता है, और अगर उन्हें प्रॉपर्टी सेल करना हो अर्जेंट में, उन्हें कुछ पैसे की जरूरत होती है, इस टाइप के प्रॉपर्टी हमारे पास आते रहते हैं, वो हमें सामने से फ़ोन करते हैं कि विकास जी हमें प्रॉपर्टी सेल करना है। तो दोस्तों जब ये प्रॉपर्टी सेल करना है उनको और वो हमें जब इन्फॉर्म करते हैं तो ऐसे अर्जेंट वाली फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं हमेशा अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनपाल पे शेयर करता रहता हूं। दोस्तों कभी भी जब आपको प्रॉपर्टी परचेस करना हो ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जब भी मैं ऐसे कोई फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका जल्द से जल्द फ़ायदा ले सकें। दोस्तों अगर आप YouTube के से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855, हमारा दूसरा नंबर है 8070807099, ये दोनों नंबर हमारा व्हाट्सअप पे है। इन दोनों नंबर पे आपका नाम, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट ये सब लिख के भेज दें, और जिस टाइप की आपकी प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है 2 लाइन में ब्रीफ लिख के भेज दें। इस टाइप के अगर हमारे पास फ़ायदे वाली या बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी आती है तो मैं हमेशा अपने इस व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करता रहता हूँ, जब भी महीने, 2 महीने, 4 महीने में ऐसी प्रॉपर्टी आती है, और ये 1-to-1 आपको ये मैसेज मिलता रहेगा। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप ये इन्फॉर्मेशन देख के आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप आपके आसपास में जो फ्रेंड्स और फैमिली हैं उनको भी शेयर करें, ताकि अगर उन्हें भी ज़रूरत हो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ वो भी जानना ज़रूरी है। आप दोस्तों कहीं से भी पैसे कमाते हैं, किसी भी वे से पैसे कमाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर्टी टारगेट करते हैं कि हमें प्रॉपर्टी परचेस करना है। लेकिन प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदना है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना है, वो सब सावधानियों को आपको स्टडी करना, जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस में शेयर करता ही हूँ, मेरे YouTube में बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, हर एक वीडियो को आप देखें, हर एक वीडियो में अलग अलग नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेगा, जो प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके पहले आपको किन किन सावधानियों को रखना चाहिए, बरतना चाहिए। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलूंगा फिर से नई वीडियो के साथ, आऊँगा नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स नई वीडियो तक वेट करिए, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।